नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कंधे में दर्द हमारे घुटने के दर्द और स्पाइन में पेन के बाद सबसे कॉमन एरिया होता है जो पेन की प्रॉब्लम होती है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं और पहले से धारणा बना के आते हैं कि हमको फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है। इंटरनेट पे भी अगर आप जाएंगे और शोल्डर पेन को सर्च करेंगे तो सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर ही मिलता है, और इंटरनेट के हाफ कुक्ड और हाफ बेक ज्ञान के बेसिस के ऊपर पेशेंट फ्रोजन शोल्डर की दवाइयां लेने लग जाते हैं, सेल्फ डायग्नोस करके एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और दर्द बद से बदतर हो जाता है उन पेशेंट्स में। इसलिए बहुत जरूरी है, हमने सोचा आपके साथ एक वीडियो शेयर करें जिसमें आज आपको 5 कॉमन ऐसे शोल्डर पेन के कॉजेस बताएं फ्रोजन शोल्डर के अतिरिक्त जो पेशेंट हमारे पास आके रिपोर्ट करते हैं, उन कॉजेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, उसकी आपको जानकारी दें। तो दोस्तों, पहला सबसे कॉमन कॉज जो शोल्डर पेन का फ्रोजन शोल्डर के अलावा हो सकता है वो है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो वो दो बोन से बनता है, एक स्कैपुला जो हमारे ये पीछे की पूरी हड्डी होती है, उसमें एक ग्लिनोइड कैविटी होती है और हमारे आर्म में ये हड्डी होती है जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। ये दोनों मिला के शोल्डर का जॉइंट बनाती है जो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है जिससे 360 डिग्री मूवमेंट शोल्डर को मिलता है। इसके आसपास कुछ मसल्स आके अटैच होते हैं जिसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ मसल्स। वो चार मसल्स होते हैं, सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरी माइनर और सबस्कैपुलरिस। ये चार मसल शोल्डर को स्थिरता प्रोवाइड करते हैं, यानी वो स्टेबलाइजर होते हैं शोल्डर जॉइंट के। अगर इन मांसपेशियों के अंदर घिसावट हो जाए, यानी जिसको हम टेंडिनोसिस बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन या जलन हो जाए जिसे टेंडिनाइटिस बोलते हैं, टियर अगर हो जाए, फट जाए जो कि पार्शियल हो सकता है या कंप्लीट थिकनेस टियर हो सकता है, तो इन सब कॉमन टर्मिनोलॉजी में हम रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी बोलते हैं, यानी रोटेटर कफ टेंडन्स के अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी हो जाए तो रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी बोलते हैं। उसमें कॉमनली पेशेंट के अंदर कंधे में दर्द के साथ साथ जकड़न जरूर होएगी, पर वो जकड़न पैसिव रेंज ऑफ मोशन, यानी कोई दूसरा आदमी अगर आपका कंधा उठाने में मदद करेगा तो तब नहीं महसूस होएगी, आपको खुद को उठाने में महसूस होएगी। रात में वो दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है, अगर कोई इंजरी हुई है तो उसके अंदर रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी काफी कॉमनली होती है, घिसावट के साथ या डीजेनरेशन के साथ भी हो सकती है। उसको हम कॉमनली हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी या MRI से डायग्नोस करते हैं। दोस्तों, दूसरा कॉमन कॉज होता है बिसिपिटल टेंडिनाइटिस। बाइसेप्स एक मसल होते हैं जिसमें जो बॉडी बनाते हैं उसमें मसल्स भी जो बन जाते हैं हमारे आर्म पे, उसको बाइसेप्स बोलते हैं, जो कि हमारी कोहनी को घुमाने में यानी एल्बो फ्लेक्शन के अंदर मददगार होते हैं। ये बाइसेप मसल जब हमारे कंधे के पास आके जुड़ता है तो हमारा जो ह्यूमरस बोन है या जो आर्म बोन है उसके अंदर एक ग्रूव की तरह या एक नाले के अंदर की तरह एरिया से जाके हमारे कंधे के अंदर जुड़ता है। इस बाइसेप्स ग्रूव के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसकी वजह से जो बाइसेप्स टेंडन है उसमें इरिटेशन या जलन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसको हम बाइसेप्स टेंडिनाइटिस बोलते हैं। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर आपका डायग्नोस करता है। हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर MRI के थ्रू भी डायग्नोसिस इसका संभव है। पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो कंधे के जोर के साथ साथ थोड़ा सा आर्म की तरफ भी इसका कंप्लेन करता है, और कंधे के जोर के नीचे जो बिसिपिटल ग्रूव का एरिया अगर उसको दबाओ तो पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, तीसरा कॉमन पैथोलॉजी होता है AC जॉइंट के अंदर पैथोलॉजी होना। वो इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, वो डीजेनरेशन या घिसावट भी हो सकता है। AC जॉइंट दरअसल हमारी जो कॉलर बोन होती है या क्लेविकल, जब वो यहाँ की तरफ जाती है तो एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है हमारे कंधे के जॉइंट के पास ही, उन दोनों के बीच में एक जोड़ा बनता है जिसको हम एक्रोमियो क्लेविकुलर या AC जॉइंट बोलते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, इसमें डीजेनरेशन भी हो सकती है, इसमें ट्रॉमा या चोट भी लग सकती है, ये डिसलोकेट भी हो सकता है ये वाला जॉइंट। तो तीनों कॉजेस से इसके अंदर दर्द हो सकती है, इसके लिए भी स्पेशल टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू इसका भी पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, चौथा कॉमन कॉज होता है इनस्टेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि आपका जो कंधा है वो सबसे ज्यादा अस्थिर जॉइंट होता है? कंधा सबसे ज्यादा मोबाइल होता है, 360 डिग्री घूम सकता है, पर ये जो मोबिलिटी कंधे को मिलती है ये स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके मिलती है। अक्सर पेशेंट आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि हमारा कंधा डिसलोकेट हो गया है या सबलक्सेट हो गया है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं कंधे के जोड़ के अंदर या ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के अंदर इनस्टेबिलिटी होती है। तो
इनस्टेबिलिटी को भी टेस्ट किया जा सकता है और इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये भी कंधे में दर्द का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉज होती है। पांचवा आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है रेफर्ड पेन। हमने अक्सर सुना होगा कि हमारे हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो कंधे की तरफ, आर्म की तरफ जाता है, या लेफ्ट साइड में अगर स्प्लीन एक ऑर्गन होता है उसमें अगर रप्चर हो जाए तो उसका दर्द भी कंधे में आ सकता है, या बहुत ज्यादा कॉमनली सर्वाइकल का दर्द भी कंधे के अंदर आ सकता है। इसको हम रेफर्ड पेन बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को कंधे में दर्द हो तो उसको फ्रोजन शोल्डर सिर्फ समझने की गलती ना करें। जरूर फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन कॉज है कंधे में दर्द का, पर ओनली कॉज नहीं है, और भी बहुत सारे कारण आपके कंधे में दर्द कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।